सिक्स थिंग्स यू मस्ट नेवर डू विथ योर न्यू रॉटवालर पप्पी। रॉटवालर काफ़ी ही क्यूट, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड होते हैं और इनका पालन पोषण आपको बचपन से ही अच्छे से करना पड़ता है, वरना आगे चल के आपको काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको न्यू रॉटवालर पप्पी के साथ नहीं करनी चाहिए। नंबर वन, काफ़ी सारे लोग जो है उनके लाने के बाद उनके नेक पे हैवी कॉलर्स ले आते हैं या फिर जो भी हार्नेस लाते हैं वो भी हैवी लाते हैं, सोच के कि ये डॉग ब्रीड बहुत स्ट्रांग है, ये डेविल है, ये है, ये वो है, ख़तरनाक है, तो अभी से ये ऐसा करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अभी अब पप्पी है, ग्रोइंग स्टेज में है, उसके नेक पे इतने भारी कॉलर्स या भारी चीज़ें ना लगाए आप। लोगों को लगता है कि ये फैशन है और भी अच्छा लगेगा, लेकिन इससे डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम हो सकती है, गला जो है हड्डी पे भी असर हो सकता है क्योंकि अभी स्टिल वो पप्पी है। इस एज में अगर आप उसे सोशलाइज अच्छे से करते हो, ट्रेन अच्छे से करते हो, तो वो आगे चल के एक अच्छा डॉग ब्रीड बनता है और आपको ऐसे हैवी चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके रॉटवालर पर। नंबर टू, शोइंग देन अफेक्शन एट रॉन्ग टाइम। अगर आप अपने डॉग ब्रीड को कुछ गलत कर रहे हो तब भी अफेक्शन दिखा रहे हो, क्यूट बोल रहे हो, गुड बॉय बोल रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर रॉटवालर कुछ गलत कर रहा है तो उसको बढ़ावा मत दीजिए। आपको भले ही क्यूट लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बोलोगे यार कितना क्यूट है, गुड बॉय, ऐसा कर दोगे तो उसे लगेगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ और वो जो भी चीज़ है जो गलत है वो करने लगेगा। फिर धीरे धीरे बड़े होकर भी वही बिहेवियर कंटिन्यू करेगा और आप तब रोकोगे तो वो रुकेगा नहीं। तो इसलिए बचपन से ही उसके बैड बिहेवियर को, बैड आदतों को बढ़ावा ना दे। उसकी जगह आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कीजिए, नो बोलिए, साइड में जाइए, उसे बात मत कीजिए थोड़ी देर, अगर बिल्कुल बात नहीं मान रहा है तो इससे उसको पता चलेगा कि हम कुछ गलत कर रहा हो। नेक्स्ट, अलाउ निपिंग। अब काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि वो बाइट कर रहा है, काट रहा है, तो या तो उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब देखिए, बोलना कब है और बोलना नहीं है, देखिए बाइट तो वो करेगा ही, बच्चा है, काफ़ी बार जो है तीत आ रहे होते हैं तब करता है और ये एक हर्डिंग ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये बचपन से इनका जो है हर्डिंग का तरीका भी इसी तरीके से होता है, एंशियंट टाइम से कर रहा था। थोड़ी बहुत जो है बाइटिंग की प्रॉब्लम आपको हर डॉग ब्रीड में देखने को मिलती है, वैसे रॉटवालर में भी देखने को मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो चेंजेस को, जैसे वुड या फिर आपके जो है हाथ पे बाइट करने की कोशिश कर रहा है तो आप टॉयज दे सकते हो, डॉग बोन्स दे सकते हो, अलग अलग चीज़ें दे सकते हो, जिससे क्या करेगा कि उसका ध्यान कहीं और जाएगा और उन चीज़ों में वो बाइट करेगा और घर की चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। और करने देना है मतलब अगर आपको बाइट कर रहा है या फिर कोई फर्नीचर करना है तब आपको नो करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करना है, जिससे कि उसको पता चले कि इन चीज़ों को बाइट करना गलत है, किसी और आदमी को, किसी पर्सन को, किसी डॉग को या फिर ऐसी चीज़ें करता है तब रोकना है। नेक्स्ट, अवॉइड सोशलाइजेशन। अब काफ़ी सारे लोग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि रॉटवालर को वो एग्रेसिव बनाना चाहते हैं, डेंजरस बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोशलाइज ही नहीं कराते, चाहे वो किसी प्लेस से हो, पब्लिक से हो, दूसरे एनिमल से हो या फिर किसी और चीज़ से भी हो। वो लगता है कि इससे वो क्या होगा कि फ्रेंडली बन जाएगा, लेकिन ये सोशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसकी लाइफ में ग्रो होने के लिए। अगर वो सोशलाइज बाहर अगर किसी से भी नहीं कराते हो तो इवन वो आपके घर के मेंबर से भी सोशलाइज नहीं होगा, इवन अपने ओनर पे भी काफ़ी बार अटैक कर देगा। अगर अटैक करता है तो इसकी मतलब समझ लेना आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने उसको ना सोशलाइज करा है ना ट्रेन करा है, तो ये सब गलतियाँ ज़रूर से आपकी वजह से ही हुई है। तो अपने डॉग ब्रीड को अच्छे से ट्रेन कीजिए, सोशलाइज कीजिए, अच्छे लोगों से मिलाइए, जिससे कि उसे कोई भी चीज़ नवी देखेगा तो ऐसा नहीं एंजाइटी नहीं होगी, कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, उसे पता चलेगा कि कॉमन है, इसमें कुछ मेरे लिए ख़तरा नहीं है और वो आराम से उस प्लेस पर जाएगा, लोगों से मिलेगा, खेलेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है टाइदाना अप। अब काफ़ी बार क्या करते हैं लोग, उन्हें बांध के रखते हैं कि जगह पे रखते हैं कि प्लेस पे रखते हैं, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है आपके डॉग ब्रीड के लिए। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पप्पी होते हैं तो खेलना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें एक जगह पे ही बांध के रखते हो। इससे डॉग ब्रीड जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है, काफ़ी बार एग्रेसिव बनने की वजह भी ये होती है। अगर आप भी अपने डॉग ब्रीड को बांध के रखते हो ज़्यादातर तो ऐसा मत कीजिए, उसे थोड़ा खुला घूमने दीजिए, यहाँ वहाँ जाने दीजिए घर में, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर कोने में बैठा रहा है दिन भर और कहीं ले भी नहीं जाते। अगर ले जा रहे हो तो दूर ले जाइए फिर, अगर घर में दिन भर बंधा रहता है तो, लेकिन बंधा ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ नहीं करता, वो इशू नहीं है। अगर आप अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन कर रहे हो तो आपका डॉग ब्रीड घर में घुल मिल के रहेगा। नेक्स्ट, यू शुड नेवर अवॉइड वेट विजिट्स एंड वैक्सीनेशंस। अब मैं हर वीडियो में बताता हूँ डॉग ब्रीड को जो है वेट के पास रेगुलर चेकअप के लिए साथ साथ उसकी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग जरूर से कराएं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे गए जिसमें डॉग ब्रीड की जो है वैक्सीनेशन नहीं कराने के कारण डॉग ब्रीड को बार बार बीमार पड़ता है, बीमारियाँ होती है, इन्फेक्शन होता है, टिक्स ज़्यादा आते हैं और जो है
काफ़ी यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपके डॉग ब्रीड के साथ कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनकी वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग कराइए। इससे 90% ऑफ लाइफ सेव हो जाएगी उनकी और उनको काफ़ी सारे बीमारियों से भी बचाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, दूसरे नए ओनर्स को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका रॉटवालर हेल्दी रहे। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।